हाय एवरीवन, वेलकम टू अनीता अन्नपूर्णा किचन। आज आप बनाशू वाटीदाल खमण। एना जैसे एक वटकी चना की दाण और एनी सामे एक चमची चोखा। आप आ बने ने एक बाउल अंदर मिक्स कर लैसू और मिक्स कर बे त्रण पानी वॉश कर पलाड़ी दईसू। चना की दाण और चोखा ने मैं धोई दीदा है। हवे आने आप पानी थी 5 कलाक सुधी एने पलाड़ी दईसू। तो आपड़ी चना की दाल पलड़ी गई है और आ रीते एकदम सॉफ्ट थी गई है। 4 कलाक जो आने पलाड़ी थी। हवे आपड़े एने मिक्सर जार अंदर क्रश कर लैसू। एना माटे आपड़े मिक्सर जार लैसू। आपड़े आ रीते एने बे भागना अंदर डिवाइड कर दईसू। थोड़ा लींबूना फूल नाखीशू, थोड़क पानी नाखीशू। बहु पानी नहीं नाखवानू, एकदम थोड़क ज राखवानू। आ रीते सोजी जेटलू ज राखवानू। आपणे जेम सोजी फूले एटले केवी थाय ए रीते राखवानू। एनू बेटर तमे जोई शको छो, आटलू थीक राखवानू। हवे हूँ बीजी बेंच पण क्रश करी लईश। मैं बीजी बेंच पण तैयार करी लीधी छे। बस आ रीतनू बेटर राखवानू छे। हवे आपणे आने आ बेटरने फर्मेंटेशन थवा माटे 5 कलाक एने मूकी दईशू। तो आपणू 5 कलाक थई गया छे। आपणू बेटर आ रीते फ्लफी थई गयू छे, फर्मेंटेशन थई गयू छे। हवे आपणे एना अंदर मसाला करी दईशू। तो एना अंदर आपणे आदु मरचानी पेस्ट नाखीशू। ए तमे तमारा टेस्ट मुजब नाखी शको छो। पछी एना अंदर थोड़ी हळदर नाखीशू। पछी आपणे एना अंदर स्वाद मुजब मीठू नाखीशू ने थोड़ी हिंग नाखीशू। हवे आपणे एने मिक्स करीशू। आ रीते कूकर लई लेवानू। एना अंदर मैं पाणी राखी लीधुं छे। आ थाळीने आपणे तेल वडे ग्रीस करी लेवानी। हवे आपणे गैस चालू करीशू। ज्यारे आ थाळी गरम थाय पछी ज आपणे बेटरना अंदर सोडा नाखीशू। थाळी गरम थया पछी तो आपणू थाळी प्री हीट थई गई छे। हवे आपणे बेटरना अंदर सोडा नाखीशू। आ रीते ईनो मळे छे, ईनो चाले, अने आ रीते सोडा बजारमां मळे छे ए पण चाले। आ रीते आपणे सोडा लईशू। पछी एने एक्टिव करवा माटे आपणे थोड़ुं पाणी नाखीशू। थाळी एटला माटे प्री हीट करवानी होय छे जेथी आ सोडा एक ज सेकंडना अंदर एक्टिव थई जाय, पछी एने ट्रांसफर करी लेवानुं होय छे आपणुं बेटर, तो ज तमारा खमण फूलशे, नहीं तो फूलशे नहीं। मैं ट्रांसफर कर लीधुं छे। हवे गैसनी फ्लेम 15 मिनिट सुधी फास्ट राखीशू। पछी पाछळनी 10 मिनिट आपणे एने स्लो करीशू। 25 मिनिट जेवुं थई गयुं छे। आपणा खमण तैयार थई गया छे, तमे जोई शको छो। चप्पू आपणो क्लीन निकळेलो, समझी लेवो कि आपणा खमण तैयार थई गया छे। गैसनी फ्लेम बंद करीशू। हवे आ ठंडू थाय पछी आपणे एना पीस पाडीशू। खमण ठंडा थई गया छे अने मैं कट करी लीधा छे। तमे जोई शको छो आपणा खमण केटला सॉफ्ट बन्या छे, एकदम जाळीदार खमण बन्या छे। हवे आपणे एने वगारी दईशू। एना माटे मैं एक पेन लई लीधी छे। एना अंदर मैं 4 मोटा टेबलस्पून तेल लई लीधुं छे। तेल आपणुं गरम थई गयुं छे। हवे एना अंदर आपणे राई नाखीशू। राई फूटी गई है, हमें अपने अंदर खमण नाखी दई। आप मिक्स कर खमण अपना थी गया है। हमें गैस की फ्लेम बंद करीशू और आप अंदर कोथमीर स्प्रिंकल करीशू। हमें आ खमण अंदर खवाती आप चटनी बनाशू। तो एना जैसे कोथमी, लीलू मरचू, एक टुकड़ो नानो आदुनो, फुदीनो, खांड, मीठू अने आपणे जे खमण बनाव्या ए खमण आपणे स्टार्ट करीए। आ रीते
બધી જ વસ્તુ અંદર મૂકી દઈશું અને ખમણને આપણે આ રીતે પાકીને મૂકી દઈશું। એના અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ નાખીશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું અને થોડું પાણી એડ કરીને એને આપણે મિક્સર જારના અંદર ક્રશ કરી લઈશું। આમાં ખવાતી ચટણી તૈયાર છે, હવે આપણે પ્લેટિંગ કરી લઈશું। હા, તો આપણા વાટીદાળના ખમણ અને એના સાથે ખવાતી ચટણી તૈયાર છે, હવે આપણે એના અંદર થોડીક સેવ નાખી દઈશું। તો આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી ગમી હશે। જો મારી આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। થેન્ક યુ।